सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी ये ना सोचे कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा, यह संसार है। यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। नया नया तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो चीज हो या इंसान। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज का पंचांग 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 6:22 से 7:54 तक रहेगा। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, संबंधों में उलझन, दोहरे अर्थों वाली बातचीत तथा गलतफहमी आज पूरे दिन आप पर हावी रहेगी, लेकिन इससे किसी नुकसान की बजाय मनोरंजन की उम्मीद ज्यादा है, इसलिए इनके बारे में चिंता करने की बजाय अपने मूड को हल्का फुल्का रखें और हो रही घटनाओं का आनंद उठाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिन बहुत खुशगवार गुजरेगा। आज किसी असफलता या नुकसान से आपको दुख हो सकता है। आपके निजी इतिहास के बारे में विचार करें क्योंकि वो अभी आपको समझ आएगा। अपनी भावनाओं के बारे में जानने के लिए समय निकालें। अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर विश्वास करें। आपके सपना आपको ताजा और सार्थक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। रिस्क की खरीदारी से बचें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्राप्त धन को दीर्घकालीन निवेश या खरीदारी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किसी बाधा से निकलना अभी आपके लिए असंभव हो सकता है। ऐसे में आपके दोस्त या परिवार खास तौर पर बुजुर्गों की सहायता लें। आप अभी पिछले मुद्दों या पुरानी निजी मामलों को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए आप इस समय कम बोलने की इच्छुक हैं। अतीत के बारे में सोचना भविष्य की चिंताओं की जाँच करने का अच्छा प्रयास है, किंतु तभी तक जब तक आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद न करें। अपनी परिपक्व समझ के साथ अब आप भावनाओं को शारीरिक और वित्तीय मामलों में अपनी सीमाओं को महसूस करेंगे। जल्द ही आपको प्यार, उपलब्धियां और रचनात्मकता को लेकर अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। अपने लिए पैसा बचाने का आपका ख्याल आज पूरा हो सकता है। आज आप उचित बचत कर पाने में सक्षम होंगी। किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या किसी संत से मिलें, इससे आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह दिन विशेष रहने वाला है। आपकी कामयाबी में महिलाएं अहम किरदार अदा करेंगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौक पूरा करने का पर्याप्त खाली वक्त है। रिश्ते ऊपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज यह साबित कर सकता है। नई बातों पर ध्यान देने से तनाव कम होगा और आपकी सोच में भी बदलाव आएगा। आपका काम दूसरों के लिए लाभदायक साबित होगा। लोगों से मिल रही प्रशंसा की वजह से अपने काम में सुधार करने की कोशिश करेंगे। नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, इस कारण आपके लिए नए अवसर आएंगे। काम में कोई गलती ना हो इस बात का ध्यान रखें। पार्टनर के लिए जो नाराजगी थी वह दूर होगी, पार्टनर की गलतियों को माफ करेंगे। गले की खराश और खांसी की तकलीफ भी हो सकती है। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से मेल मिलाप द्वारा सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से करियर संबंधित बेहतरीन जांच मिलने की संभावना है। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधित योजना भी बनेगी। सावधानियां, अपने खास दस्तावेज तथा पेपर किसी के साथ भी शेयर न करें। साथ ही इस समय बाहरी गतिविधियों में समय नष्ट न करें, क्योंकि इसके कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। संतान की गतिविधियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकती हैं
और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकती हैं। हालांकि संभावना है कि अपने साथी की बजाय मुद्दे आप में ही नहीं थे, और कोई भी कदम उठाने से पहले विश्लेषणात्मक तौर पर जरूर सोचें। हाल ही में किसी नाकामयाबी से आपको तनाव हो सकता है। अपनी चिंताओं को रहस्य बनाकर न रखें। अपने दर्द को कम करने के लिए किसी खास व्यक्ति पर विश्वास करें। अकेले या अपनी सेहत पर ध्यान रखते हुए समय बिताना अभी बुद्धिमानी भरा निवेश होगा। बुराइयों या यौन व्यभिचार के प्रलोभन में न पड़ें। उद्देश्य की भावना से जुड़ने के लिए मेहनत करें। ध्यान या अपनी दादा दादी के समान किसी से बातचीत करने से इस चरण में आपको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। अपने साथी के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह समय दीर्घकालिक निवेश या खरीद करने का हो सकता है। आज समय साहसिक कार्यों या रोमांटिक गतिविधियों के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको रोमांस और प्रेम को पहला स्थान नहीं देना चाहिए। समय निकालकर अपने निजी मामलों और विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान दें, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन चीजों को आप नियंत्रित रखते हैं या सुधारते हैं, उन्हें भी नोटिस। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अतीत की उन स्थितियों के बारे में ना सोचें जो आपको चिंतित कर देती है। अपने मजबूत पॉइंट और सीमाओं से अवगत रहें और अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए इन मौके का प्रयोग करें। बात करते हैं करियर की। आप अभी भी किसी असफलता या नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए निकाला गया समय आपको मजबूत बनाएगा, इसीलिए ध्यान और आध्यात्मिक विचारों की खोज के लिए अनुकूल स्थान की तलाश करें। अभी आप अपनी सामान्य सामाजिक समूह से अकेले या दूसरे लोगों से अलग महसूस कर सकती हैं, लेकिन किसी नए व्यक्ति शायद विदेशी के जीवन में आने पर आप अच्छे महसूस करेंगे। यह व्यक्ति आपको मार्गदर्शन और सार्थक कंपनी प्रदान करेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। आपके प्रियजन कोई मुश्किल आने पर मदद के लिए आप पर पूरा विश्वास करते हैं। अतीत और गोपनीय मामले आज आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि पुराने मुद्दों पर ध्यान देना अच्छा नहीं है, फिर भी आप जल्दी से जल्दी हर मामले को सुलझाना चाहेंगे। आप वर्तमान में जी रही हैं, इसीलिए अतीत के मुद्दों को तब तक ना कुरेदे जब तक कि यह वर्तमान परिस्थितियों को सुधारने में सहायक ना हो। अभी सावधान और सतर्क रहें। परिस्थितियां आपको प्रतिबंधित महसूस कर सकती है, किंतु अपने आप को सीमित ना करें, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा और जल्दी ही आप उपलब्धियों और प्रसिद्धि के लिए अपने रास्ते पर स्वतंत्रता से आगे बढ़ेंगे। आपका करियर आपकी योजना के अनुसार नहीं जा रहा है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नए सिरे से इसे शुरू करना सबसे अच्छा उपाय है। सबसे पहले आप अपना बायोडाटा ढंग से तैयार करें और इसे सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति को दें, जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। इसमें आपको अपने करियर को नियंत्रण में लाने की जरूरत है। बात करती है सेहत की। जब तक आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक सक्रिय घंटा नहीं निकालते, तब तक आपके दिन का सदुपयोग नहीं हो पाता। ठंडे दिमाग से यह सोचने की कोशिश करें कि आप क्या क्या करते हैं और उनका आप पर कितना असर होता है। उदाहरण के लिए अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करें और फिर यह देखें कि इससे आपकी बात या प्यार करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए इस समय सबसे अच्छी एक्सरसाइज योग है। आज का उपाय, आज अब गाय को ताजी रोटी खिलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।